तेजो जैस्मिन को कैसे एक्सपोज करेगी, अब ये तेजो के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जैस्मिन जो है वो बच्चा भी लेकर आ चुकी है और जो घर वाले हैं वो बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते नज़र आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी भी, तेजो के ऊपर फिर से बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। तेजो जो है वो कैसे साबित करेगी कि जैस्मिन जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, उसकी झूठी प्रेगनेंसी थी, और ये बच्चा कहाँ से आया वो कैसे पता लगाएगी। तो आपको बता दें कि तेजो है तो सब कुछ मुमकिन है, अगर तेजो फॉर्म में आ जाती है तो वो सारी चीज़ें कर भी लेती है। और यहाँ पर तेजो जो है वो ढूंढ निकालेगी चुराई हुई बच्चे की माँ। जी हाँ, आप सबको मालूम ही है कि जैस्मिन के दिमाग में जब चला था, आप सब ने देखा ही था कि उस दिन जब जैस्मिन जो है वो ये सब कुछ छोड़कर जा रही थी, वो तो उस वक्त उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी और वो ये था कि बच्चा चुराना है। और यही सोचकर वो एंट्री भी कर चुकी थी, उसने साफ साफ मन में सोच लिया था कि वो बच्चा चुराएगी, और यही सोचकर उसने जो है वापसी भी कर ली थी विर्क फैमिली में, क्योंकि वो तो जाने वाली थी। आप सबने देखा कि वो सबको छोड़कर जो है वो अमृतसर शिफ्ट होने वाली है और वो भाग रही थी सबसे, तो ये सारी चीज़ें आप सबने देखा ही। लेकिन अचानक से उसका यूँ रुक जाना कुछ बड़ा इशारा करता है। तो बस यहाँ पर जब तेजो को पता चल जाता है कि जैस्मिन जो है वो फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है और उसका बेबी बम्प भी दिख जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब उसे दिख जाती हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो ये देखने के बाद कहती है कि अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और अब मैं तुम्हें बताऊँगी, सबके सामने बताऊँगी कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो और तुम्हारा जो ये प्रेगनेंसी है वो सब कुछ झूठ होता है। और जैसे ही ये देखती है, जैसे ही वो जाल में फंसती है, अचानक से उसे चक्कर का बहाना करती है और वो गिर जाती है। और फिर यहाँ पर जो तेजो है वो घर वालों को बताती है कि भाई ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है और कुछ भी नहीं है, जैस्मिन की फेक प्रेगनेंसी है, उसका मिसकैरेज हो चुका है। जैसे ही मिसकैरेज वाली बात होती है, यहाँ पर जो नर्स है वो एक बच्ची को लेकर आती है और कहती है कि बच्ची हुई है। ये सुनने के बाद सभी बहुत खुश नज़र आते हैं, फतेह की पूरी फैमिली बहुत खुश नज़र आती है, इवन फतेह भी बहुत खुश नज़र आता है। लेकिन तेजो की आँखों में आंसू होते हैं और वो अपनी आँखों को पोंछती है और कहती है कि झूठ की जो उम्र है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है। और फिर यहाँ पर वो एक प्रण लेती है कि आज नहीं तो कल वो जैस्मिन का जो ये झूठ है वो बाहर लेकर दम लेगी। और फिर जो तेजो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा झुकने वाली है कि आखिर ये बच्ची कौन है और किसकी बच्ची लेकर आई है जैस्मिन, ये सारी चीज़ों का वो पता लगाने वाली है। और जल्द ही तेजो को उसके सुराग भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि जब तेजो एकदम जुड़ जाती है किसी चीज़ को लेकर तो हर कोई एकदम शॉक्ड हो जाता है और जो जैस्मिन है उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। तो बस अब यहाँ पर तेजो जो है वो एकदम फॉर्म में आ चुकी है, जैस्मिन का भंडा फोड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जैस्मिन को इस तरीके से फॉर्म में देख कर फैंस को तसल्ली मिल रही है कि चलिए फाइनली जो है वो तेजो को इस बात का एहसास हुआ कि जैस्मिन कभी नहीं सुधरी थी। और जैस्मिन का सच लाने के लिए तेजो अब एड़ी चोटी का दम लगाने वाली है, चतर बनकर अब तेजो जो है वो वाट लगाने वाली है जैस्मिन की, क्योंकि उसने साफ कह दिया था फतेह को कि इस बार वो जैस्मिन को किसी भी हालत में जीतने नहीं देने वाली है। तो अब क्या करेगी तेजो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस चुराई हुई बच्ची की माँ की जल्द ही छानबीन करने वाली है तेजो, जिसके बाद भांडा फूटेगा जैस्मिन का और फिर क्या होगा तो आप सबको मालूम ही है। लेकिन आपको इन सबके बीच बता दें कि जैस्मिन जो है वो सच में पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तेजो से वो नहीं बचने वाली है तो वहीं पर दूसरी तरफ यश भी उसे नहीं छोड़ने वाला है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा क्या होगा जैस्मिन का हश्र। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।